मेरे प्यारे भाई और बहनों आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम जैसा कि कल हमने देखा कि जिस इंसान को सच्चा सुख प्राप्त होता है उसकी निशानी क्या है और हमने देखा सबसे पहली बात है सच्चा सुखी इंसान उसके दिल में कोई तृष्णा नहीं होती अ ट्रूली हैप्पी मैन डिजायर्स नथिंग सचा सुख उसी प्राप्त होता है जो अपनी इच्छा प्रभु की इच्छा में समा देता है ही डिवाइन नॉट माय विल will बी डन ओ लॉर्ड मेरे प्यारे भाई और बहनों श्री ईशा के जीवन का जब अंतिम समय निकट आया तब वे एक बगीचे में थे द गार्डन ऑफ गेट्स तब ध्यान में उन्हें पता चला कि कुछ ही घंटों में उन्हें सलीब पर चढ़ाया जाएगा सलीब पर चढ़ाकर उनके हाथों में उनके पैरों में उनके गले में कीलें ठोकी जाएंगी जब उन्हें ये दर्शन मिला तो वे घबरा गए वे मन ही मन सोचने लगे मैं ये सब कैसे सह पाऊंगा मेरी क्या दशा होगी तब उन्होंने भगवान से प्रार्थना की हे प्रभु मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा है आज मैं आपसे मांग रहा हूं कि कृपया आप मुझे इस अनुभव से बचा दें मैं इस अनुभव से नहीं गुजर पाऊंगा उन्होंने प्रार्थना तो कर ली लेकिन फिर तुरंत ही उन्होंने अपने आप को करेक्ट किया और कहा नहीं नहीं प्रभु वो नहीं जो मैं चाहूं पर जो आप चाहें नॉट माई विल बट आई विल बी डन लॉर्ड वही हो जो आप चाहते हैं मैं भली चाहूं या ना चाहूं उस पर आप ध्यान न दें आपकी इच्छा ही मेरी इच्छा है मेरे प्यारे भाई और बहनों एक संत थे कहते हैं उनके होठों पर सदा ये शब्द रहते थे वैसे तो वे ज्यादा बोलते नहीं थे पर वे हर पल कहते थे यस फादर यस एंड ऑलवेज यस यस फादर यस एंड ऑलवेज यस कई बार लोग उनकी निंदा करते थे कभी कभी लोग संतों की निंदा करते हैं पर वे सदा मुस्कुराते रहते हैं उन पर लोगों की निंदा का कोई प्रभाव नहीं होता कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी मती भ्रष्ट होती है फिर वे संतों के बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं वे संतों पर झूठे आरोप लगाते हैं पर ये संत जिन के बारे में हम बात कर रहे हैं वे कहते थे हे hey प्रभु ये भी तो आपकी इच्छा से हो रहा है ना यदि ये आपकी इच्छा ना हो तो ये आदमी ऐसे आरोप लगाए ही नहीं ये आपकी इच्छा है इसलिए ये मेरे लिए प्रसाद है इट्स अ वंडरफुल स्टेज इफ ओनली यू कैन अटेंड टू इट वंस आई टेल यू यू विल बी ब्लेस्ड फॉर एवर एंड फॉर एवर मोर मेरे प्यारे भाई और बहनों जैसा कि आप सब जानते हैं गुरु अर्जुन देव जी को कितना सताया गया था उन्हें उबलते हुए पानी में बिठाया गया जिससे उनके सारे शरीर में छाले पड़ गए उसके बाद उन्हें गर्म तवे पर बिठाया गया और ऊपर से गर्म रेत डाली गई आप स्वयं ही समझ सकते हैं कि गुरुजी को कितना दर्द सहना पड़ा होगा लेकिन फिर भी गुरुजी के होठों पर तो मुस्कान थी उनके होठों पर ये शब्द ये मीठे शब्द थे तेरा किया मीठा लागे नाम पदार्थ नान मांगे मेरे प्यारे भाइयों और बहनों हमारे साथ थोड़ा ही कुछ होता है तो हम मचल उठते हैं हमारा विश्वास डग -मगा जाता है ना ना अपने विश्वास को दर रखो जब हम अहदराबाद सिंध में रहते थे वहाँ कई मुसलमान दरवेश रहते थे जब भी उन दरवेशों के पास जाओ उनसे दुआ मांगो तो हर एक दरवेश सर पर हाथ रख कर एक ही बात कहते थे तुम्हारा ईमान सलामत रहे तुम्हारा ईमान सलामत रहे यह विश्वास ही आपके जीवन का सबसे कीमती खजाना है नेवर लूज फेथ एन चाहे कुछ भी हो जाए इस विश्वास को कभी मत गंवाना हे hey प्रभु जो आपकी इच्छा आप मेरा अतीत जानते हैं आपको मेरे वर्तमान का पता है फिर भी जो हो रहा है उसे आप होने दे रहे हैं तो इसमें ही मेरा भला है आप हमारी माता हैं आप हमारे पिता हैं तू मेरा पिता तू है मेरा माता तू मेरा बंदप, तू मेरा भ्राता मेरे प्यारे भाई और बहनों जिस इंसान के दिल में ऐसा विश्वास है वही सच्चे सुख की मंजिल को प्राप्त करता है एक बार प्रश्न उठा कि प्रभु का सच्चा आशिक उसकी निशानी क्या है कई लोग हैं जो स्वयं को प्रभु का आशिक कहते हैं आशिक कहना तो आसान है पर आशिक होना बहुत कठिन है इस्लाम की महान साध्वी राबिया से ये प्रश्न पूछा गया कि सच्चे आशिक की निशानी क्या है इस प्रश्न के उत्तर में वह बोली सच्चा आशिक खुदा की इच्छा को अपनी इच्छा मानता है फिर चाहे आशिक के साथ कुछ भी हो जाए मेरे प्यारे भाई और बहनों एक बार राबिया साधवी से पूछा गया क्या आपको कभी खजूर खाने की इच्छा नहीं होती अरब देशों में खजूर बहुत होती है सड़क के किनारे खजूर के वृक्ष होते हैं, लोग उसे बस्तोड़ कर खा सकते हैं प्रश्न के उत्तर में राधिया ने कहा मुझे खजूर बहुत पसंद है पर दस साल से प्रभु ने मुझे एक खजूर नहीं भेजी है उनकी इच्छा ही नहीं कि मैं खजूर खाऊं जब खुदा की इच्छा होगी वे अपने आप मुझे टोकरी भर कर खजूर भेजेंगे मेरे प्यारे भाइयों और बहनों जब मैं पहली बार दुबई गया था तब वहां के मेयर मुझसे मिलने आए वे अपने साथ खजूर से भरा एक टोकरा लेकर आए थे राबिया ने कहा दस साल से खुदा ने मुझे खजूर नहीं भेजी है ऐसी उसकी इच्छा है जो खुदा का सच्चा आशिक होता है उसकी यही निशानी होती है ही अबाइड्स इन द विल ऑफ गॉड ऐसे आशिक अपनी मस्ती में रहते हैं वे इच्छाओं से दूर किसी और ही प्लेन पर रहते हैं हम इच्छाओं के प्लेन पर रहते हैं हम जो देखते हैं उसे पाने की इच्छा रखते हैं फिर जब वह चीज मिल जाती है तो उसे अपने पास रख देते हैं उसका उपयोग भी नहीं करते पर फिर भी रख देते हैं नहीं नहीं आइए आज से हम भी अपनी इच्छा को प्रभु की इच्छा में संभालें हम भी ईश्वर की इच्छा को स्वीकार करने की कोशिश करें कबीर तृष्णा पापनी तासो प्रीत न जोर संत कबीर ने अपने एक दोहे में कहा है तृष्णा पापनी है डिजायर इज द ग्रेट सिनर उसे दूर रहो उसे प्रीत न जोड़ो आप तृष्णा से प्रीत जोड़ते हैं आपको लगता है आपकी तृष्णा पूरी हो गई आपको सुख मिल गया नहीं नहीं आपकी ओरिजिनल अवस्था सुख की अवस्था है हम में से एक एक व्यक्ति ओरिजिनली आनंद का रूप है सच्चित आनंद फिर हमारे मन में कोई तृष्णा उठती है कोई तमन्ना जागती है जैसे किसी शांत सरोवर में लहरें उठती हैं, वैसे ही तृष्णा हमारे मन की मन के शांत सरोवर में लहरें उठाती है जिससे हमारे भीतर बेचैनी होने लगती है जब हमारी तृष्णा पूरी हो जाती है हमारे तो मन का सरोवर फिर शांत हो जाता है लेकिन हम सोचते हैं हमें जो शांति की अनुभूति हो रही है उसका कारण है हमारी तृष्णा का पूरा हो जाना ना ना यह सच नहीं है वी हैव ओनली रिटर्न टू अवर ओरिजिनल स्टेट अवर ओरिजिनल स्टेट इज अ स्टेट ऑफ हैप्पीनेस इसलिए हमारी सोच यही होनी चाहिए कि अपनी इच्छा नहीं बल्कि प्रभु की इच्छा पूरी हो वही हो जो वे चाहते हैं हमें उनकी इच्छा को स्वीकार करना चाहिए उसके लिए, we should learn to count our blessings. मैंने आपको एक धनवान के बारे में बताया है ना, जिसे एक ही दिन में तीन करोड़ का नुकसान हुआ उसने अपने मित्रों को रात के खाने पर आने का निमंत्रण दिया सारे मित्र कह रहे थे हमने सुना है इसे एक दिन में तीन करोड़ का नुकसान हुआ है फिर भी आज इसने हमें अपने जहाँ डिनर पर बुलाया है वैसे तो वह आदमी जब भी लोगों को अपने घर दावत देता था तो उसमें से 60 परसेंट या 70 परसेंट मित्र ही आते थे पर उस दिन 100 मित्र उसके दावत पर आए सबके मन में ये देखने की जिज्ञासा थी कि एक तरफ तीन करोड़ का नुकसान और दूसरी तरफ दावत आखिर बात क्या है दावत पर आए सभी लोगों ने उस धनवान से कहा बताओ तो सही आखिर तुमने हमें आज दावत पर क्यों बुलाया है इस पर धनवान ने कहा यह सच है कि आज मुझे तीन करोड़ का नुकसान हुआ है पर मैंने तुम्हें दावत पर ये बताने के लिए बुलाया है कि मेरे पास अभी भी तीन करोड़ बच्चे हुए हैं लुक एट द मैन जो आपके पास है उसके लिए भगवान का आभार मानो आगे उस धनवान ने अपने मित्रों से कहा मैं आप लोगों को बताना चाहता था कि मेरे दिल में तीन करोड़ खोने का गम नहीं है मैं तो आभारी हूँ भगवान का क्योंकि मेरे पास अभी भी तीन करोड़ बच्चे हुए हैं जो देता है वही लेता है सिखो के महान शास्त्र श्री सुखमी साहब में ये शब्द आते हैं दस ले पाछे पावे एक बसत कारण बिखोट गवावे अर्थात इंसान की यह दशा है जब प्रभु दस उपहार उसे देते हैं तब वह कहता है हे प्रभु वाह 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 आप जैसा कोई नहीं है लेकिन भगवान उनमें से एक चीज वापस लेते हैं तो हमारा विश्वास उन पर से उठ जाता है मेरे प्यारे भाई और बहनों ना, ना किसी भी चीज पर हमारा कोई हक नहीं है वी हैव नो क्लेम जो इंसान इस भाव में जीता है उसके पास भले ही करोड़ों रुपए न हो फिर भी वह सुखी इंसान है बाकी जो करोड़पति हैं आजकल तो करोड़ों का कोई महत्व ही नहीं है पहले यदि कोई करोड़पति होता था तो बड़ी बात मानी जाती थी पर आपके पास चाहे कितने भी करोड़ आ जाएं लेकिन जब तक आपके दिल में प्रभु के प्रति आभार की भावना नहीं है एन एटीट्यूड ऑफ थैंक्स गिविंग टू द लॉर्ड फॉर एवरी एक्सपीरियंस दैट कम्स टू यू वेदर प्लेजेंट और अनप्लेजेंट तब तक आपको सच्चा सुख प्राप्त नहीं होता शुक्राना आए खुदा हर पल तेरा शुक्राना। मेरे प्यारे भाई और बहनों हमें सच्चे सुख की तीन मंजिलों पर चर्चा करनी थी पर हम अभी तक पहली मंजिल पर ही है सच्चा सुखी इंसान उसके दिल में कोई तृष्णा नहीं होती दूसरी बात वह इंसान किसी भी चीज पर अपना हक नहीं समझता और तीसरी बात वह किसी से भी किसी प्रकार की आशा नहीं रखता ही एक्सपेक्ट नथिंग जब ये तीनों बातें एक साथ इंसान पा लेता है तब इंसान को सच्चा सुख प्राप्त होता है काश प्रभु हमें आशीष दे ताकि हम भी तृष्णा से दूर रहे ये युग जिसमें हम जी रहे हैं यहां दिन ब दिन तृष्णाएं बढ़ती जा रही हैं, तृष्णा से दूर रहें, इसलिए अपना जीवन प्रभु की इच्छा में डाल दें हे प्रभु जो तेरी इच्छा आप जो भी लेते हैं वाह वाह आखिर सब कुछ तोफानी है सब दिखाई देता है कि है पर फिर गायब हो जाता है पर हमारा सच्चा खजाना है हमारा विश्वास जब हम इस संसार से जाते हैं जब हमारा देहांत हो जाता है तब बाकी की सारी चीजें हम यहीं छोड़ जाते हैं पर विश्वास हम अपने साथ ले जाते हैं इसलिए इस विश्वास को बढ़ाते रहो बढ़ाते रहो लेट योर फेथ इन द लॉर्ड बी एप्सल्यूट जब इंसान के दिल में प्रभु के प्रति विश्वास दृढ़ हो जाता है तो उसका जीवन सार्थक हो जाता है सार्थक हो जाता है सार्थक हो जाता है ओम शांति शांति शांति